प्यारे हिंदुस्तानियों बहुत अच्छे से खेलो, मुझे सबसे बहुत प्यार है। बाबर आजम को तो देखने का भी दिल नहीं करता, चाहे वो हमारा अपना है। आपको कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लगती है, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लगती है क्योंकि बैटिंग तो, बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, बैटिंग तो बहुत ही अच्छी है। इनके छक्के जो ये मारते हैं ना, विराट कोहली के छक्के बहुत मशहूर है इस वजह से। जो भी लड़का लड़कियों की लीग से बाहर होता है वो उनको पसंद आ जाता है, सो इसलिए लड़कियों को ज्यादा विराट कोहली पसंद है रदर देन बाबर आजम। आपको लगता है कि पाकिस्तान हारेगा? डेफिनेटली हारेगा, लिखवा के ले ले मुझसे। वो क्यों, इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है। ऐसा क्यों लगता है आपको? कि पाकिस्तान ने तो लल्ली पंजी उन्होंने ऐड कर दी है। जिस पैशन से विराट खेलता है ना, वो ज्यादा अट्रैक्टिव और कीप अप द हार्डनेस। इंडिया, अगर आप इंडिया का पूछें कि उनका कौन सा प्लेयर पसंद है, तो मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। ठीक है, इंडिया, ओह विराट कोहली की बैटिंग। बाबर आजम के साथ डेट पे जाऊंगी और पेरिस जाना चाहूंगी क्योंकि वहाँ आईफल टावर है एंड आई लव इट। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों इंट्रो देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला। आपका भाई पाकिस्तान से चुन 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 के पाकिस्तानी गर्ल्स के रिएक्शन लेके आया है। पाकिस्तानी लड़कियां इंडिया के बारे में क्या सोचती है, कौन कौन जीतने वाला है, 24 अक्टूबर को क्या होने वाला है, विराट कोहली इनको कैसा लगता है, रोहित शर्मा के बारे में इन लोगों के क्या मिजाज है, बुमराह की बॉलिंग की कितनी दीवानी है लड़कियां, ये आज आपको ये सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में, और कितना कौन ज़्यादा हैंडसम है, विराट कोहली ज़्यादा हैंडसम है कि बाबर आजम ज़्यादा हैंडसम है, तो सारा मज़ा आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो आपका भाई बीच बीच के अंदर आता रहेगा क्योंकि वीडियो आप अकेले नहीं देखोगे, आपका भाई भी आपके साथ एंजॉय करेगा। और एक, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करने वाले पाकिस्तानी बहुत है अपने पास में, तो आप तो लाइक कर दो जी। इंडिया टीम तो बीट करेगी क्योंकि हर साल वो वर्ल्ड कप में वो ही जीतती है जो इंडिया है ना, क्योंकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, वो बीट कर सकती है। और पाकिस्तान अपनी कोशिश करता है 100% देने की, वो अब नहीं जा पाता, बीट नहीं कर पाता, तो बैड लक। तो क्या क्वालिटीज़ हैं टीम इंडिया में, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया की बैकबोन है? क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली बहुत अच्छा बैटर है, उसके अलावा बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आपका फेवरेट बैट्समैन और बॉलर कौन सा है टीम इंडिया? जिन दोनों के मैंने नाम अभी बताए हैं वही। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट फैंस को? मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों बहुत अच्छे से खेलो, मुझे सबसे बहुत प्यार है, और मेरा नाम रोशन करो। वेल डन, वेल डन। आपको कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लगती है, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि वो अभी काफ़ी मैचेस खेल के आए हैं, और यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान है, हम तो कंट्री को अपनी सपोर्ट करेंगे, मगर इंडिया ज़्यादा हमें जो है वो लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फातिमा अमजद खान है। अच्छा फातिमा, मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे आप जानती हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भारत का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? जी विराट कोहली हो सकता है और रोहित शर्मा हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि ये दोनों क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं, इस वजह से इनकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि जो विराट कोहली है या फिर रोहित शर्मा है, इनकी बैटिंग कैसी है, मतलब बैट्स के हवाले से ये कैसे जा रहे हैं? बैटिंग तो, बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, बैटिंग तो बहुत ही अच्छी है। इनके छक्के जो ये मारते हैं ना, विराट कोहली के छक्के बहुत मशहूर है इस वजह से। वारी रोहित के और विराट के छक्के पसंद है इसको। 24 तारीख को 11 छक्के और आ रहे हैं, उनको भी उड़ाएंगे, कैच कर लेना, कराची में गिरेंगे सीधा। अरे वाह गुड आइडिया। तो क्या क्वालिटीज हैं ऐसी टीम इंडिया में जो वो इतनी स्ट्रांग है बाकी दुनिया की टीम्स के मुकाबले? बैट्समैन होते हैं, वो फास्ट हैं, बॉलर्स भी जो उनके वो भी बहुत अच्छे हैं, इस वजह से वो जो उनकी टीम है वो अच्छी है। मैसेज देना चाहेंगे क्रिकेटर्स को, क्रिकेट लवर्स को, क्रिकेट फैंस को? जी इनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप मैचेस बहुत शौक से देखें और अपनी टीम को सपोर्ट करें, बस यही। कौन सा प्लेयर ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग है, विराट कोहली इंडिया का कैप्टन या पाकिस्तान का कैप्टन बाबर आजम? विराट कोहली, विराट कोहली। क्या वजह है बाबर रिजेक्टेड और जो विराट हैं वो सिलेक्टेड हो गए हैं? विराट की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और हैंडसम भी है, इसीलिए हैंडसम है विराट कोहली इंस्टेड ऑफ बाबर आजम। पाकिस्तान अपना 100% देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर पोटेंशियल इतना अच्छा है, वो अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, पाकिस्तान की टीम भी साथ लेकर चलती है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी है, उनकी फिजिक्स अच्छी है, इस वजह से तो मुझे, मेरे ख्याल में तो इंडिया।
तो आपका बॉलर के लिहाज से क्या कहना है कि बुमराह जो है वो बॉलरिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो सच में ऐसा है या नहीं? हाँ, वो सच में ऐसा है बुमराह तो, लेकिन जो विराट कोहली है ना, दोनों अपने सही हैं, लेकिन विराट कोहली जो है ना उसका लेवल ही कुछ और है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इंडिया जीत जाएगा? हाँ, इंडिया जीत सकता है। 100% जीत जाएगा? 80%। इस लड़की की बातें सुनने के बाद मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, लड़की को क्रिकेट की नॉलेज काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के सारे मैच देखती है, इंडियन प्लेयर्स को काफ़ी करीब से जानती है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ रोहित शर्मा की सबसे बड़ी फैन से। इतनी बड़ी फैन आपको रोहित शर्मा की आज तक इंडिया में भी नहीं मिली होगी जितनी की बड़ी है पाकिस्तान के अंदर है। तो पहले मैच में इंडिया के साथ मुकाबला है और इंडिया अब तक स्टैट्स के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम देखी जा रही है, क्योंकि उनके पास एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के टेरर के बारे में, उनके प्रेशर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? रोहित शर्मा की तो बैटिंग ही बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी बॉलर का कैरियर तबाह करना है तो उसके सामने बस लाकर खड़ा कर दो रोहित शर्मा को, वो ऐसे ऐसे आउट निकला भाई। तो उसकी बैटिंग स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका कितना प्रेशर होता है बॉलर्स पे, पाकिस्तानी टीम पर स्पेशली उसका कितना प्रेशर है? उसका हर चीज़ पे प्रेशर होता है, हर टीम पे उसका प्रेशर होता है। मेरा ख्याल है बॉलर भी सोचता होगा बॉलिंग कराने से पहले। तो उसकी बैटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में क्या बताएंगे कि किस तरह खेलते हैं वो? क्योंकि वो पूरी टीम को साथ लेके चलता है, स्कोर सेट करता है, फिर हाँ फिर मुश्किल से आउट होता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान हारेगा? डेफिनेटली हारेगा, लिखवा के ले ले मुझसे। वो क्यों, इंडियन टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों लगता है आपको? कि पाकिस्तान ने तो लल्ली पंजी उन्होंने ऐड कर दी है, पहले से भी गई गुजरी मुझे तो लग रही है। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मारा, लेकिन खैर वो बकवास ही है अभी भी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया लड़की ने, दिल खुश हो गया। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मैविश। ये कौन सा नाम हुआ, मैंने तो सुना ही नहीं कभी। महविश, मुझे ये बताया, जैसा कि आप जानती हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भारत का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? आई थिंक भारत का रोहित शर्मा और विराट कोहली है जो कि टफ टाइम दे सकता है। आपको क्यों लगता है इन दोनों का, क्या आप कहती हैं? वो इन नस्बत के ना, पाकिस्तान की नस्बत वो ज़्यादा आजकल अच्छा प्लेयर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसलिए। इनकी बैटिंग कैसी है, मुझे बैटिंग के हवाले से कुछ बताइएगा। विराट कोहली की बैटिंग भी अच्छी है और रोहित शर्मा की भी अच्छी है। पाकिस्तान आजकल आपको पता है इतना नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं प्ले कर रहा, तो उसके नस्बत ये लोग ज़्यादा मतलब कर रहे हैं अच्छा। अरे विराट कोहली की दीवानी। क्रिकेट देखती हैं आप? बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप आ रहा है जैसा कि आपको पता है, तो क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी दो खतरनाक डेंजरस टीम्स हैं जो आप जिनको आप देखते हो कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाएंगी? मैं चाहती तो ये हूँ कि पाकिस्तान जाए, लेकिन अगर मैं हकीकतन बात करूँ तो आई थिंक इंडिया और वेस्ट इंडीज लास्ट तक जाएगी। अच्छा, 2-4 दिन पहले ही इंडिया ने जो है वो अपनी टीम रिलीज़ की है, तो सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ना इंडिया की टीम तो बहुत अच्छी है और पाकिस्तान ने ये क्या टीम बना ली है, बहुत क्रिटिसिज्म आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं भी यही चीज़ सोच रही थी कि एक महीना पहले इन्होंने मतलब सरफराज को निकाला, उसके बाद अब सरफराज को दोबारा लिया, पहले का कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अब कहा कारकर्दगी अच्छी है, मतलब ये खुद ही इतना कंफ्यूज हैं, ये क्या मतलब मुल्क का कर रहे हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। और दूसरी टीम आपने बताया था कि आप वेस्ट इंडीज़ को देखती हैं, कौन है फेवरेट आपका वेस्ट इंडीज़ में? अच्छा, ये बड़ी बात है कि ना 2 बार लगातार जो है ना वेस्ट इंडीज़ वो चैम्पियन रहा है, तो कौन है आपका फेवरेट बीच में? क्रिस गिल तो इस बार खेल नहीं रहा, उन्होंने तो सारे प्लेयर्स अपने नए मंगवा लिए, पुराने प्लेयर्स जो थे। हाय अल्लाह, नहीं मैं क्रिस गिल को देखना चाह रही थी। अब क्या होगा आपका? मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ का पता नहीं क्या होगा। अब क्या वेस्ट इंडीज़ नहीं जीतेगा? अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के अलावा अब क्योंकि क्रिस गिल नहीं आ रहा, तो कौन सी दूसरी टीम है जिसको आप देखती हैं फाइनल्स में? इंडिया। इंडिया वर्सेज इंडिया? इंडिया वर्सेज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। क्या क्वालिटी आपको ऐसी नज़र आती है टीम इंडिया में जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है? यार, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी बैटिंग लाइनअप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उनका बॉलिंग की कमी थी, लेकिन आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास बॉलर भी उनके पास आ चुके हैं, तो अब वो चाहे तो 3 टीमें बना लें, और अगर वो तीसरी टीम को भी पाकिस्तान से खिलाएंगे ना, शायद पाकिस्तान उनसे भी हार जाएगा। भाई साहब का भी कहना काफ़ी हद तक उचित है। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया का क्या इम्पैक्ट करेगा? नो आइडिया। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया कैसे पसंद है? पसंद नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, लेकिन इंडिया, अगर आप इंडिया का पूछें कि उनका कौन सा प्लेयर पसंद है, तो मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। ठीक है, इंडिया। ओ, विराट कोहली की बैटिंग
तो इंडिया, आई गेस इंडिया को कम्पीट करना मुश्किल है, लेकिन अगर चाहे तो पाकिस्तानी भी कम्पीट कर सकते। अच्छा, आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं देखती अपने वतन को, क्यों नहीं देखती आप? क्योंकि मैंने 3 से 4 मैचेस में बहुत ज़्यादा उम्मीदें की थी पाकिस्तान से, मतलब कि जीतेगा, इवन लास्ट तक जाएगा, और मेरी वो जब उम्मीदें टूटी तो फिर मैंने उम्मीद करना छोड़ दी थी। अच्छा, ये तो तारीख है हमारी कि हम बार बार हारते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से एक अच्छा चांस है क्योंकि बाबर आजम कप्तान बन गया। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को? बाबर आजम कप्तान बन गए हैं, वो मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, और अगर बाबर आजम कप्तान बन गए हैं तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया का मतलब आमना सामना होना चाहिए, मतलब उनका विराट कोहली और हमारा बाबर आजम, फिर मज़ा आएगा देखने का मैच का। चलें, बहुत शुक्रिया। इसका जो एनालिसिस है इंडिया टीम के बारे में काफ़ी सटीक और काबिल तारीफ है। पाकिस्तानी लड़कियों से एक सवाल पूछा गया कि ज़्यादा हैंडसम कौन है, बाबर आजम की विराट कोहली? पाकिस्तानी लड़कियों के रिएक्शन सुन के आप चौंक जाएंगे। बाबर आजम से ज़्यादा हैंडसम कौन है? ज़्यादा हैंडसम तो विराट कोहली है, लेकिन आई लाइक बाबर आजम। ये क्या बात हुई, हैंडसम विराट है तो पसंद बाबर को करती हो? क्योंकि जो विराट है, एक तो वो हिंदू है और दूसरा ये कि वो ही इज़ आउट ऑफ माई लीग, दैट्स वाई, तो इसलिए मजबूरन बाबर आजम के साथ जाना पड़ा। हाँ, मतलब मजबूरी है, कुछ हो नहीं सकता। विराट कोहली अच्छा प्लेयर है लेकिन वो हिंदू है, तो ये जो मदरसे में पढ़ी हुई तालीम है ना, ये वो है, और ये तालीम सीखने के लिए आपको मदरसा ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए इन जाहिलों को मदरसे साहब अगर कोई बोलता है तो वो इसलिए बोलता है। वैसे मानना पड़ेगा विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं आज इससे रिलेटेड, तो मैं बोल सकता हूँ ये लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है विराट कोहली को। इन अ सेंस मुझे हैंडसम दोनों में से कोई नहीं लगता, लेकिन जिस पैशन से विराट खेलता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, और मुझे लगता है कि उसके फॉलोअर्स हैं ना वो भी उसके पैशन की वजह से ज़्यादा हैं, और वैसे वो थोड़ा सा क्यूट भी है तो वो इस वजह से भी ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। विराट कोहली और बाबर आजम में से ज़्यादा हैंडसम कौन है? विराट कोहली हैंडसम है। कितना हैंडसम है बाबर से? थोड़ा सा ही है, मुझे इतना खास दोनों ही नहीं पसंद वैसे। विराट पक्का? हाँ। और विराट, बाबर आजम को तो देखने का भी दिल नहीं करता, चाहे वो हमारा अपना है, लेकिन उसको मतलब वो फिर भी थोड़ा सा देखने के लायक है, काबिल है। मतलब कि वो इतना बेचारा आपको बुरा लगता है कि उसको देखने का दिल नहीं करता? इसकी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर आपको लाइफ में कभी चांस मिलता है इन दोनों में से किसी एक के साथ डेट पर जाने का, तो किसके साथ जाओगी और कहाँ? बाबर आजम के साथ डेट पर जाऊँगी, और पेरिस जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ आईफल टावर है, एंड आई लव इट। बड़ी ऊंची सोच है। हाँ, ऊंची सोच है, इसलिए बंदा आउट ऑफ लीग नहीं चुना। अगर आपको विराट के साथ कहीं जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहोगी? मालदीव जाना चाहूँगी। क्यों? प्यारा है ना वो, मतलब अच्छा है, वहाँ पे सब कुछ है, मतलब फुल पैकेज। उम्मीद तो यही करूँगा कि वो पाकिस्तान में आए और मुनाल, इस्लामाबाद मुनाल पे बैठ के हम एक खूबसूरत नज़ारा देखते हुए वहाँ पे मैं उनके साथ डिनर करूँ, ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाई जा सके। और वैसे आपने जो ये कंडीशन लगाई, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े प्लेयर के साथ कभी मौका मिलेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ आपको डेट पर जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाओगी? डेट पे विराट तो, क्योंकि वो शादीशुदा भी है, और डेट इन अ सेंस क्योंकि मुझे दोनों ही नहीं अच्छे लगते, तो मैं डेट का भी क्यों सोचूंगी दोनों में से। लेकिन अभी आपके पास एक ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में से अभी आपको एक चूज करना है कंपल्सरी। आई थिंक मैं इस लिहाज से फिर बाबर आजम को चूज करूंगी डेट के लिए। यार, बाबर आजम आपको पसंद नहीं और उसके साथ डेट पे जा रही हूँ, ये क्या सेंस हुई? मुस्लिम है ना, मुस्लिम है, हम अपने कल्चर को अगर देखेंगे तो फिर बाबर आजम को चूज करना चाहिए, ना कि विराट कोहली को। विराट कोहली तो एज अ पैशनेट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसका पैशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा अगर इस्लाम को एक साइड पर रखें फिर विराट ठीक है। वो ठीक है फिर विराट। अच्छा, यानी कि जो आपका दिल है उसको इस्लाम ने रोका हुआ है? अपने कल्चर को लेके होना चाहिए। सही। अच्छा, कहाँ पे जाना चाहोगी विराट के साथ, कोई ऐसी जगह कोई माइंड में है? इस्लामाबाद मोनाल। क्या पैगाम देना चाहोगी अपने फेवरेट कैप्टन को? लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि फेवरेट कौन है, बाबर या विराट, एक बार फाइनल बता दो फेवरेट कौन है। अच्छा, बाबर फेवरेट है क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन है, और ऑब्वियसली वो मुस्लिम भी है, और दूसरा एक्सेप्टेबल है हर लिहाज से,
और आई थिंक ही इज़ एन ईजी टारगेट, सो आई वुड रादर गो विद बाबर आजम विराट के बजाय. तो वो मेरा फेवरेट कैप्टन है. उसके लिए मैसेज ये है कि कीप इट अप और सी यू इन फ्यूचर. क्या मैसेज देना चाहोगी विराट कोहली को? कीप अप द हार्डनेस बस. और आप? कीप अप द गुड वर्क. ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार. मौका 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 ये करेंगे भाई. एक बात तो ये माननी पड़ेगी, बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस बात का नॉलेज है, उनको इस बात का इल्म है, उन्हें ज्ञान है इसका कि भारत और पाकिस्तान की जो टाकरे की टक्कर होने वाली है ना, तो उसके अंदर से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है, पाकिस्तान टीम क्या है, इंडिया टीम क्या है. लेकिन फिर एक वो जो देशभक्ति की भावना होती है ना कि नहीं हमको हमारी टीम के साथ जाना है, तो वो उनको उधर की तरफ घसीट के लेके जाती है. दूसरा इस्लामियत जो है वो उसको उधर घसीट के लेके जाती है. लेकिन काफी लोग इस हकीकत से जानकार है कि किसकी टीम भारी है. वीडियो देखने के बाद में मैं एक चीज तो फाइनली बोल सकता हूँ कि पाकिस्तानी लड़कियों की क्रिकेट की नॉलेज काफी अच्छी है. इंडिया की क्रिकेट को बहुत क्लोजली देखती है, फील करती है, महसूस करती है. और जैसे क्रिकेट लवर आप हो, वैसे भी मैं भी क्रिकेट लवर हूँ. 24 तारीख का इंतजार आप ही नहीं कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ. अब आपको सिर्फ दो काम करने हैं, एक प्यारा सा कमेंट करना है और एक शेयर करना है. और आपका भाई आपके लिए ऐसे मनोरंजन वीडियो, पाक मीडिया से जुड़े हुए वीडियो लाता रहता है. आप लोग अपना ख्याल रखिए. जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम.